थिएटर अपडेट के इस अगले संस्करण में आप सबका स्वागत। आप सबसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने बातचीत की थी कि नाटक लोगों को पसंद आने वाला होना चाहिए, तो कई लोगों ने इस तरह के सवाल भी किए कि क्या लोगों के पसंद आने के लिए हम किसी उनके ही टेस्ट के नाटक करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात लोक परक या लोगों को पसंद आने का कारण, कई लोगों का ख्याल होता है कि लोगों को हल्के फुल्के विषय वाले नाटक या हास्य या कॉमेडी टाइप नाटक पसंद आते हैं, तो क्या हम वैसे ही नाटक करते रहे। बात ऐसी नहीं है। नाटक का विषय कैसा भी हो, कितना भी गंभीर हो, नाटक का मूड कितना भी गंभीर हो या हास्य हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो लोगों को पसंद आएगा नहीं। लोगों को पसंद आने ना पसंद आने की कसौटी पर जो खरा उतरता है वो बात होती है प्रस्तुतीकरण की रचनात्मकता की। अगर प्रस्तुति रचनात्मक है और अभिनेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विषय अच्छा है, तो डेफिनेटली वो नाटक लोगों को पसंद आएगा, लोगों की पसंद पे खरा उतरेगा। तो हम लोग इस बारे में एक गाइडेंस जो है उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि नाटक का चयन, हम अपने ग्रुप की कैपेसिटी नहीं देखते हैं, हम अपने ग्रुप के एक्टरों की कैपेसिटी नहीं देखते हैं, हम सब्जेक्ट कितना समसामयिक है, रेलेवेंट है, वो नहीं देखते, और सिर्फ ये कि ये बड़ा लेखक, बड़े लेखक का नाटक है या बड़ा नाम का नाटक है तो इसको कर लेने में हम बड़े रंगकर्मियों में हमारा शुमार हो जाएगा। इस लोभ में हम लोग, खास करके अव्यवसायिक रंगमंच के लोग, कई ऐसे नाटक कर लेते हैं जो नाटक हमारे संस्था के बूते के बाहर की बात होती है। इसलिए हजारों साल पहले नाट्य शास्त्र में नाटक चयन करने की, नाटक सिलेक्ट करने के लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण बातों को इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने। नाटक चयन के लिए जो तीन बिंदु या तीन बातें उन्होंने बताई है, लिखी है, वो है वस्तु, नेता और दर्शक। वस्तु, नेता, दर्शक का फंडा साथियों आज भी उतना ही समसामयिक है और उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि इन तीनों बातों को अगर मद्देनजर रखते हुए हम नाटक का चयन करें तो निश्चित रूप से हम कम से कम असफल होंगे। सफलता असफलता तो मंच पर जाने के बाद ही होती है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि हम कितने सफल होंगे। लेकिन वस्तु का मतलब कथा वस्तु या विषय वस्तु, जो विषय वस्तु हम ले रहे हैं या जो कथा वस्तु हम ले रहे हैं, उस विषय की, उस कहानी की आज के समाज के लोगों को जरूरत है या नहीं है। ये जरूरत है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जो विषय ऐसा लगता है कि अरे ये बात तो मेरे दिल में भी थी, इस पे बात होनी चाहिए थी और अच्छे ढंग से होनी चाहिए थी, ऐसे विषय वस्तु को चुनते हैं अगर आप, तो वो दर्शकों को यानी लोक को पसंद आता है। दूसरा होता है, हम लोगों ने बात की वस्तु के बाद नेता। नेता मतलब अभिनेता। नेता से अभिप्राय हमारे लीडर्स नहीं है, अभिनेता। हमारे ग्रुप में जितने अभिनेता या अभिनेत्रियां मौजूद हैं इस समय, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी शारीरिक अवस्था कितनी कैसी है, उनकी आवाज कैसी है, उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनकी इन तमाम दायरों को देखते हुए हम नाटक का चयन करें। अगर हमारे पास कोई बहुत हट्टे कट्टे लोग नहीं है, तगड़े लोग नहीं है, और हमने हट्टे कट्टे और तगड़े शरीर सौष्ठव वाले चरित्रों वाले नाटक उठा लिए, तो निश्चित रूप से वो नाटक हम कितनी भी मेहनत कर ले, अभिनेता कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर वो सूट नहीं करता उस कैरेक्टर को, तो नाटक वहीं लोक से थोड़ा अलग होता है या लोक अन्य मनस्क हो जाते हैं, उससे विरक्त होते हैं उस नाटक से। तो नेता के बाद आता है दर्शक। दर्शक को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रतियोगिता के लिए, किसी महोत्सव के लिए, या अपने शहर में प्रस्तुतिकरण के लिए, या ग्रांट की प्रस्तुतियों के लिए, हम अपने पसंद का नाटक चुन लेते हैं, चाहे हमारे अभिनेता उस लायक हैं या नहीं है, है ना। चाहे
वो सब्जेक्ट हमारे अभिनेताओं ने आत्मसात खुद किया या नहीं किया, या हमने आत्मसात किया या नहीं किया, या समसामयिकता कितने, इस बात को नजरअंदाज करते हुए हम किन दर्शकों के बीच नाटक करने जा रहे हैं, इस बात को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दर्शक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के दर्शक के लिए नाटक चयन कर रहे हैं। नाटक करते वक्त या कहीं किसी शहर में जाते वक्त उस शहर के दर्शकों की रुचियां, अगर रुचियों से आप अगर परिचित हैं, या शहर के क्लास के दर्शक और आम दर्शक, पढ़े लिखे दर्शक या बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे दर्शक, हर दर्शक की रुचि अलग अलग होती है। तो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए भी अगर आप नाटक का चयन करते हैं तो वो नाटक भी लोगों की पसंद की कसौटी पर खरा उतरता है, ऐसा हमारा अनुमान है। और इसलिए हम ये बात करते हैं कि नाटक चयन करते वक्त अगर हम लोग वस्तु, नेता और दर्शक के सिद्धांत को अपनाएं हमेशा, तो मुझे लगता है कि नाटक की सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इन्हीं चंद बातों के साथ हम फिर मिलेंगे अगली बार आपसे किसी और विषय पर बात करने के लिए। तब तक